तीसरी सीट है ये। देखो तो कच्ची भी तो रहो ना तुम्हारे में। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैंने बाइक को नवा दवा के एकदम साफ कर दिया, बढ़िया तरह से क्रीम व्रीम लगा के पॉलिश वॉलिश करके टना टन कर दिया। इसको लग गई नज़र और इसका टूट गया रेस का तार। जैसे ही आए हम तो ये रेस नहीं मान रही थी, देखा तो रेस का तार टूट गया। अभी इसका हमने तार डलवाया है। और आज हमारे सोनी की भी थोड़ी तबीयत डाउन सी लग रही थी, तो सोनी के एक इंजेक्शन लग गया, तो इससे अब आराम मिल जाएगा। सोनी की दवा तो लग गई, आप सभी दुआ की ज़रूरत है बस। हेलो, राम राम जी, नमस्ते। और सब कैसे हो, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त है। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी अम्मा आज सुबह ही सुबह राम राम करेंगी, आज तो बोल रही थी राम भैया राम राम, मन कौन से वाले कौन से करने को राम राम है, और बड़ी इनको राम राम, खुशी बनी रह भैया खुश करी। खूब बढ़िया वीडियो चलते रहे भाई। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, बड़ा की वीडियो बढ़िया चले, वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। राम 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 राम, हाँ नमस्ते कर, नमस्ते कर, नमस्ते राम राम। जी बोले कार गए हैं। अभी सुबह की चाय नाश्ता पानी की तैयारी चल रही है। बस सोनी ने आज चूल्हा जला लिया, वैसे भी बारिश नहीं हुई है, कल से बारिश रुक गई है, तो अब तो चूल्हे पे खाना पीना बना लिया करेंगे। आज बना रही सोनी बड़े कहा छोड़ दे जा मैं कहा चाय अभी चाय नाश्ता पानी चल रहा है, चाय बन गई। सोनी ना पी रही चाय, हाँ ते कहाँ चाय ना बची, खत्म। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे लिए तो चाय बैठे छूटी बनेंगे। जब सोनी के लिए ये रखे तो चाय क्यों पिएगी, नहीं ये रखा है अखरोट है, ये इसको खाएगी दूध में, दोबारा बना लें का दिक्कत है। जीव तो खूच लवा लो कतन नहीं सी तो पे दादा मैंने जीव तो खूच लावा दे तू है दादा मैंने ते जीव हैरान ना होते। आज की जो सब्जी बन रही है वो ऐसी है दोस्तों कि पूरा परिवार मिलके काम करता है तो बहुत जल्दी बन जाती है। अगर एक एक इंसान लगा रहे तो उसमें शाम भी हो जाएगी, भूखे बैठे रहे ना पैर। रोटी बन गई सोनी, नहा धो के फ्री हो गए बच्चे। गुड मॉर्निंग ले लो विवेक की। और बस अभी खाना बन गया दोस्तों, खाना खा के बस आज हम थोड़े चल रहे हैं। हमारी बुआ के लड़के का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे हमको जाना है देखने के लिए, तो अम्मा और मम्मी को लेके हम चलेंगे। अभी हम नहा धो के बस फ्री होते हैं, खाना पीना खा के निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज बनी है गुवार की फरी, देसी गुवार की फरी बनाई सोनी ने, बहुत ही गजब की, बहुत स्वादिष्ट। और ये तो हमारे पूरे परिवार में सबको पसंद है, कोई ये नहीं बोलता कि ये वाली सब्जी किसी को पसंद नहीं है। तो अभी हम खाना खाते हैं बस फिर हम चलते हैं। और देखो बाइक पे मेरे को ये रखनी पड़ती है सॉल, ये क्यों, देखो अम्मा और मम्मी दोनों जाएंगी, बनते नहीं है बाइक पे, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है। ये हमारी जुगाड़ है, ये तीसरी सीट है ये, और इससे थोड़ा आराम मिल जाता है, नहीं तो ये टंकी की वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ इन दो लोगों को बैठा के। बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं सफ़र पर। अभी हम आ गए गाइस, ये है धौलपुर का बस स्टैंड, यहाँ से आगरा ग्वालियर जयपुर हर जगह के लिए बस मिलती है। और इस समय हम चल रहे हैं आगरा ग्वालियर वाले हाईवे पर। गाइस आज हम चल रहे हैं अम्बा यानी धौलपुर, फिर मुरैना और उसके बाद अम्बा। और ये है धौलपुर की चंबल नदी का पुल जो कि काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं।
अभी आ गए दोस्तों देवपुरी बाबा पर और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के फिर हम निकलते हैं। यहाँ से क्या है कि प्रसाद चढ़ा देंगे और हमारी यात्रा मंगलमय होगी। और आज देवपुरी बाबा का मंदिर बस रोड क्रॉस करना है और प्रसाद चढ़ा के आना। दर्शन कर लीजिए जी। और यहाँ की मान्यता है कि आप कहीं भी सफ़र पे जा रहे हो अगर ये मंदिर बीच में पड़ रहा है तो आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के जाइए, आपका जो सफ़र है एकदम मंगलमय सुरक्षित गुजरेगा। हेलो हेलो दोस्तों, अब हमारी यात्रा एकदम सुखमय मंगलमय होगी भगवान की कृपा से। अभी हम मुरैना बाईपास से निकलते हुए मुरैना को पार कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अम्बा की तरफ। अभी हम रानपुर पे आ गए दोस्तों एमपी में और यहाँ से लेते हैं हम कुछ फल फलारी लेके चलते हैं, कहीं भी जाए तो फल फलारी लेके अच्छा रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट बन गया है ये। अभी हम अम्बा पहुँच गए, 2.5 किलोमीटर यहाँ से अम्बा। गाइस अगर रोड पे गाय दिखे तो एकदम स्लो कर लो बाइक को, एकदम स्लो कर लो। आपने जैसा देखा कि बाइक जैसे ही गाय के पास गई गाय मेरी बाइक की तरफ ही भागने लगी। और ये सामने जो घर दिख रहा है वो है बुआ का घर। तो वैस अभी हम ठिकाने पर पहुंच गए। उतर गई अम्मा, दिक्कत तो ना रही, चलो आ गए दोस्तों। अब ये बुआ घर। बुआ राम राम। बीघा कम दिखा था जिनने और सुनाई कम पत्तो है। चलो हाँ चले, चलो चलो हो गया। राम 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 भाई, तो कह रहा हूँ सुनाई ना पाते, जब गरीब सुन ना पाते। नहीं मैं नहीं पाऊंगा, जा अम्मा को पकड़ ले। दीका तो नान है बुआ। राम राम ले लाली, ले जाओ घर को, दरिया घर कौन ले जाओ जाओ। उपाजी राम राम, पहचान लो। हाँ राम राम। अब कैसी तबीयत है? नित्य है पता पर ही हुआ मेरे की। वैसे यहाँ पे हमारे फूफा जी बोल रहे हैं कि आज तो मेरे को आराम है, वैसे तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, ये मान के चलो बहुत ही हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आज तो मैंने 2 रोटी भी खा ली और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, शरीर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्वस्थ है। तो चलो ठीक है, हमारी अम्मा का थोड़ा मन था देखने के लिए तो इसलिए हम अम्मा जी को लेकर आए। अम्मा आए अम्मा, पूछ ले तो अम्मा कैसी है। देखो गाइस यही थोड़ी भावनाएं होती हैं जो कि अभी हमारी अम्मा और हम आए इधर मिलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूफा जी काफी इमोशनल हो गए, रोने लग गए। फूफा जी बहुत दिन बाद मिले, अम्मा से भावुक हो गए, रोने लग गए। यही तो है जी, पूरी करपट्टी में लग गई है, काना के जर लग रही है। हाँ तो ठीक है, खैर पर ही है।
हमारी बुआ जी बता रही कि एक्सीडेंट कैसे हुआ कि जैसे भैया जी आ रहे थे हमारे ससुराल से वापस घर के लिए परवाह के दिन, तो उधर से एक फोर व्हीलर वाला पीछे से आया और पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रोड के किनारे पे जाके गिरे और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। पूरा माथे से ले कर आईब्रो से लेकर पूरा कान तक फट गया था और वहाँ पे पुलिस वालों ने ले जाके उनको भर्ती कराया हॉस्पिटल में। और जब उनका इलाज हुआ टाइम पे पुलिस वाले पहुँच गए थे, इसके लिए पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम यहाँ पे आए तो हमारे परिवार वालों को यानी हमारे कुटुंब के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, हमारे भाई बंधु, तो उनको पता चल गया कि अम्मा जी इधर आई हैं, तो वे दौड़े दौड़े आए और उन्होंने वो अम्मा जी को अपने घर पे लेके गए। बोले अम्मा जी हमारे तो यही पुरखा हैं, सबसे पुराने अभी इस समय, तो अपने घर पे ले गए, आदर किया, सम्मान किया। आप रुकने के लिए भी बोल रहे थे लेकिन आना पड़ा। पहचान लाई है हमारी अम्मा जी की भतीजी मौसी, पहचान लो, वो भी उनको भी देख के आते हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है। अम्मा को देख कर ये भी काफ़ी भावुक हो गई और काफ़ी अच्छा लगा उनको भी, मैं भी देख के खुश हो गया, मैंने चलो आने का हमारा अच्छा हुआ। नींबू मस्त मस्त लग रहे हैं, वैसे कच्चे हैं अभी है? वैसे पूरे पेड़ पर भर के नींबू लगे हैं, ये देखो कैसे बढ़िया बढ़िया नींबू हैं। ले वे धर कहीं बैठी है नींबू, अम्मा ने नींबू दे दिए, नींबू लेके जाओ जी, पकी है चले हम घर पे चलते हैं दोस्तों। और काफी अच्छा लगा सभी से मिलके। अभी शाम के 5 बज गए दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं, सबसे विदा लेते हैं। ऐसे तो बैठते हैं, ऐसे तो बैठा गया और का बनते हैं समाप्त में नहीं मरे ना। बहुत जल्द भाजी और परिवार को मैं चले तो हैं, और देखिए जब कान जाए सुनाई पड़ते सही है भाई, सुनाई पड़ रही है वैसे बंद से कांड तो कांड सही ना ले कांड। ये देखो दोस्तों कितना सारा यहाँ से कट लगा हुआ है, माथे से लेकर ऊपर बिल्कुल आँख के ऊपर से कट लगा है पूरा कान तक, और कनपट्टी पे पूरा आधा कान चला गया है और अच्छे से टांके नहीं लग पाए। बनना पाए रे ले बने गए तुम्हारी सवानी की बनाई रही। चले दोस्तों अभी हम घर पे चलते हैं, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे अब इधर से भी। चलो जी अभी निकलते हैं घर के लिए। और आप सभी के कमेंट भी आएंगे, उससे पहले बता दूं मैं कि आप बोलोगे कि भैया जी आपने नहीं बताया पहले कि आपकी ये कौन सी बुआ जी हैं, तो हम बता दें हमारे बाबा थे, उनके बड़े भाई थे, उनकी लड़की हैं ये, तो हमारी ये बुआ है, इनके पास हम आए थे। और अभी आ गए हम मुरैना, मुरैना में अभी ये फाटक बंद है तो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, और इस समय गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ रही है दोस्तों, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही। आज मैं जल्दी जल्दी में पानी की बोतल लाना भी भूल गया, जब तक ट्रेन नहीं निकलेगी ये निकलने नहीं देंगे हमको। अभी आ गए हम दोस्तों देवपुरी बाबा मंदिर पे, बस यहाँ से हमारा धौलपुर रह गया थोड़ी सी दूर है, देखो बजरंग बली बैठे हैं ऊपर मंदिर के। चलते हैं धौलपुर के लिए। और ये देखिए हमारे किसान भाई बाबा जी आराम से बैठ के जा रहे हैं बाइक के ऊपर, ये गाय भैंस के लिए चारा लेके जा रहे हैं, उस पर ऊपर बैठ के आराम से जा रहे हैं, काफ़ी मस्त नज़ारा। अभी पहुँच गए धौलपुर, ब्रिज पे चल रहे हैं हम, और इस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया है। आ गए दोस्तों अभी घर पे, लेकिन रात हो गई आज, लेट हो गए, 7 बज गए इस समय। अम्मा गर्मी लग रही है अम्मा, अब तो ठंडा मौसम है कहता हूँ, परेशान हो गई आज गाड़ी पे बैठी बैठी है। अभी बच्चे सो गए, उधर सोनी भी सो रही है आराम से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इस समय देख सकते हैं रात के 12 बज रहे हैं। वो क्या हुआ ना कि कल वीडियो नहीं आ पाई थी ब्लॉग वाली, और सोनी की तबीयत ही थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो कल ऐसा ही मूड सा ऑफ सा रहा था, कल वीडियो नहीं बना पाई ब्लॉग वाली, तो इसीलिए मैंने कि आज इस वीडियो को कम्प्लीट करके जब ही सोएंगे,
इस समय 12 बज गए रात के, लेकिन अभी ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वो कमेंट हम करके हमको ज़रूर बताना। आज वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी हमको ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं हम। और आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ के वीडियो लाते रहते हैं। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।